हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को, पाइए चैनल से जुड़े लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, एक बड़ी खुशी खबर ये आ रही कि रेलवे में 2,40,000 पदों पर वैकेंसी और आने वाली है। ये बात हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं रेलवे भर्ती 2018 की किसी भी पद के लिए, तो आपसे निवेदन है नीचे एक लाल बटन बना होगा जिसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हजारों लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे भर्ती 2018 की, तो जल्द ही आपको भी ऐड कर लिया जाएगा। तो मित्रों, आइए आगे बढ़ते हैं, पूरी जानकारी पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में 90,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती निकाली है और अब इस भर्ती में करीब 1.5 करोड़ के उम्मीदवार आवेदन कर चुके हैं। हमने बताया था आपको, ये पहले जानकारी दी थी। अब रेलवे लाखों उम्मीदवारों की भर्ती की योजना बना रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि रेलवे में नॉन गेजेटेड पदों के लिए 2,40,000 पदों का वैकेंसी और खाली है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये वैकेंसियां योग्य उम्मीदवारों के लिए अधिसूचित कर ली गई हैं। ऑल इंडिया रेडियो ने ट्वीट कर रेल मंत्री के हवाले से खाली पड़े पदों की संख्या की जानकारी दी। बता दें कि हाल में रेलवे ने 90,000 उम्मीदवारों की भर्ती की प्रक्रिया जारी की है और नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवार लगातार इस भर्ती में आवेदन कर रहे हैं। अभी तक 1.5 करोड़ लोगों ने इसके लिए आवेदन कर दिया है। 31 मार्च इसके लिए अंतिम तिथि है और देखते हैं कितने आवेदन और होते हैं। थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से मार्च के महीने में यह भर्ती निकाली गई थी और अलग अलग नोटिफिकेशन के जरिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए थे। इसमें ग्रुप सी वर्ग के लिए 26,502 और ग्रुप डी वर्ग के लिए 62,907 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है। थोड़ा सा और जान लेते हैं। आरआरबी आवेदकों में से योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए अप्रैल या मई में परीक्षा का आयोजन कर सकती है। बता दें कि इस बार बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी करने के बाद भी आयु सीमा, आवेदन करने की तारीख आदि में बदलाव किए थे। भर्ती में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, एप्टीट्यूड टेस्ट और दस्तावेज वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। तो मित्रों, कुल मिला के बात ये कहना चाहते थे कि रेलवे भर्ती के लिए 2,40,000 पदों की और वैकेंसी आने वाली है। आप देख सकते हैं फिलहाल ये कब तक आएगी, इसकी सूचना अभी तक प्रदान नहीं की गई है, लेकिन हमारे रेल मंत्री जी ने इस बात की पुष्टि की है कि ये वैकेंसी जल्द, मतलब इसी साल पूर्ति की जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।